पार्टी में आप आने वाले हैं, हाउ वाज द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, कैसे ये पॉसिबल हुआ दैट यू एग्रीड फॉर दिस, कुछ बताना चाहें हमें? यू गो अहेड. सबसे पहले शुक्रिया. और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये तो कलर्स वालों ने सोचा कि इसका इधर थोड़ा जमा नहीं उधर थोड़ा जम जाएगा तो इसीलिए शायद, बट ये मेरे विश लिस्ट में था. और जब लास्ट डे मुझे बोला कि खतरों के करोगे, मतलब करोगे क्या यार, मैं तो रेडी हूँ ऑलवेज. थैंक यू. सेकेंडली तो आई थिंक लास्ट टू लास्ट या लास्ट ईयर, आई डोंट रियली रिमेम्बर, कोई तो इंटरव्यू में शायद मैंने मेंशन किया था कि दैट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी, एंड आई गेस आई मैनिफेस्टेड इट फॉर माई सेल्फ. एंड आई एम द लास्ट पर्सन टू गेट ऑन बोर्ड. तो प्रेपरेशन के बारे में नहीं पूछना क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे. बात हो रही है खतरों की, तो आपके खतरे क्या है जिनके लिए आपने तैयारियां कर रही है, या फिर किस चीज से ज्यादा डर लगता है आपको? आओगे. मुझे सच्ची कहूँ तो पानी से, ऊंचाई से, सांपों से, सभी से लगता है, सभी से. मैं वर्कआउट करते करते कभी सांप मेरे साथ नहीं थे बचपन से, कभी मैंने वो क्या कहते कॉकरोच और वो उससे मैंने खेला हूँ. बट मुझे इतना पता है कि वहां पे जाने के बाद परफॉर्म तो कर लेंगे यार, रोहित शेट्टी सर भी है तो. बट ऐसे नहीं कि हम डरते नहीं है. पानी और मेरा कोई नाता है ही नहीं. मैं अभी 8-10 दिन में वो बल्कि बॉडी लेके जा रहा हूँ. मैं आजू बाजू देखता हूँ, बच्चे फ्लोट करते हैं और मेरी बॉडी पूरी अंदर जाती है, तो वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है. बट होगा कि वहां पे जाने के बाद अपन कर लेंगे. शिव, अगर आपकी अगर बात करें तो शिव जी, भाई, जी भाई, जब बिफोर में जब रोहित से जब आई थी, जब आपको मौका मिलते थे जाएंगे जी, कोई मौका नहीं मिल पाया जी, आप जितनी बार फिर जब दोबारा जब भी मौका आया तो व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन, कि भाई जो उस वक्त नहीं मिल पाया वो अब मिल जाए, क्या फीलिंग क्या थी उस वक्त, इमोशनल थे या मतलब एक्साइटेड थे, नर्वस थे, क्या ज्यादा था उसमें? उस वक्त जब नहीं मिला तो था यार शिट मेरे साथ क्यों होता है ये हर वक्त क्यों यार, वो जो चीज यहाँ तक आती है वो चली जाती है. मतलब ठीक है, कुछ चीज हर वक्त ना मुझे ऐसे हुआ है कि जो चीज मिल रही है उसे मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है तब जाके मिलती है. तो इसमें भी वो ही हुआ, बट इसमें मुझे पेशेंस थोड़े कम रखना पड़ा और इंतजार उतना नहीं करना पड़ा जितना बाकी रियलिटी शो के बीच में करना पड़ा, रोडीज के बीच में 2-3 साल. फिर ये तो अभी ये जल्दी मिला है, बट मैं इसमें ये भी करो कि इसका वैल्यू मेरे लिए डबल है कि ये शो परफॉर्म करते समय मैं माइंड में ये रखूंगा कि ये मेरे लिए लास्ट स्टंट है और मुझे वैसे ही परफॉर्म करना है. लेकिन एक चीज और, कि पिछली बार जो ट्रॉफी है वो खराब आती रह गई जी, इस बार कितना और अवार्ड्स लगाने वाले हैं आप, कितनी मेहनत करने वाले हैं ट्रॉफी को सीधा घर तक लाने के लिए? यार मैं सच्ची दिल से कहूँ कि मेरे से ज्यादा जितने लोग ट्रॉफी के लिए बोल रहे हैं ना, मैं कभी कभी वो गुदगुली चालू हो जाती है मेरे पेट में, बट मैं खुद को समझाता हूँ कि पहले दिन का स्टंट पहले दिन का सोचूंगा, लास्ट डे का नहीं सोचूंगा तब. और उस दिन जब परफॉर्म कर लूंगा ना कि चलो आज का दिन खत्म हो गया, आज बेस्ट किया, या फिर जितना मैं कर सकता हूँ. और मैं बता रहा हूँ आपको कि खतरों के खिलाड़ी में बेस्ट चीज ये होती है कि आप जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है. आपको लगेगा ये फिट है, ये परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरा ही कोई या दूसरी बंदी फटाक से परफॉर्म मक्खन की तरह निकल जाएगी. मैंने देखा है दिव्यांका मैम जो थी, उन्होंने क्या फाड़ा था ना, मतलब उनको देखोगे आप तो, मैंने जो स्टंट उनके देखे थे मस्त किए थे उन्होंने. तो खतरों के खिलाड़ी में आप बोल ही नहीं सकते हो कौन कब परफॉर्म करेगा. शिव साथी आपसे जानना चाहेंगे, बिग बॉस के जो एंडिंग नोट था वो मंडली में से नॉन मंडली पे हुआ था, अर्चना भी खतरों में होने वाली है, इस बार कैसा रहने वाला है जी? तो क्या क्या लास्ट क्या था, इस बार कैसे देखते हैं आपने खतरों की जर्नी को, क्या इसमें भी मंडली वर्सेस नॉन मंडली देखने को मिलेगा या फिर द थिंग विल बी चेंज दिस टाइम? इसमें हम बिग बॉस नहीं खेलते, इसमें खतरों ही खेलते. और इसमें मुझे लगता है कि मंडली होगी, दोस्ती होगी, और क्योंकि दोस्ती नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा, 50 डेज निकलेंगे कैसे ना, तो मस्ती करते करते एंजॉय करते करते स्टंट करेंगे. नॉन मंडली नहीं, सभी के साथ दोस्ती करेंगे, है यार 14 लोग और सब प्यारे हैं. मैंने कोई सीजन तो फॉलो नहीं किया है, फ्यू एपिसोड्स देखे हैं मैंने, बिकॉज माय मॉम इज अ बिग फैन ऑफ द शो एंड उसी के दौरान थोड़े बहुत एपिसोड्स देखे हैं. टफ लगता है डेफिनेटली, डर भी लगता है वो चीज़ को करने में, बट दैट्स व्हाट द शो इज एंटायरली अबाउट, ओवरकमिंग योर फियर्स. मैंने सीजन मतलब वो जो हम फीड पे आते हैं तब, और बीच बीच में जब भी हम घर जाते हैं और एक एपिसोड शुरू रहता है, तो मुझे 2-3 प्लेयर जो थे वो बहुत मजा आया देखते समय. दिव्यांका मैम थी, अभी जन्नत जुबैर का मैंने सुना था तो मैंने क्लिप्स देखे, जो अंडर वाटर तेजस्वी ने अंडर वाटर जो परफॉर्म किया था,
ऐसे 3-4 लोग हैं और अर्जुन भाई भी, तो मैं वही बोलता हूँ कि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि जन्नत का देखते समय इतनी छोटी सी बट परफॉर्म इतना लाजवाब किया था उसने, तो ये कुछ कंटेस्टेंट है जिनका मुझे पसंद आया था। इनफैक्ट तो मैंने किसी के भी साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था। आई मीन आई वाज नॉट श्योर वेदर आई वाज डूइंग इट और नॉट बिकॉज़ देयर वर लॉट ऑफ टॉक्स बैक एंड फोर्थ। द रीजन व्हाई आई वाज प्रोबेबली द लास्ट नेम टू कम ऑन बोर्ड, फ्रेंड्स, मम्मी, सब लोग ने कुछ नहीं, उनका खाली एक ही सवाल था, कर पाएगी? एंड आई वाज लाइक कोशिश कर लूंगी वन डे एट अ टाइम, जो सिचुएशन में हमको डाला जाएगा वहाँ परफॉर्म करना है, वहाँ पे खुद का 100% देना है, वही एजेंडा है यहाँ पर। टास्क तो हो जाएगा यस, बट हाउ वेल यू परफॉर्म इट, हाउ मेंटली सेन यू आर वाइल डूइंग इट, कितने ठहराव के साथ करते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सलमान खान की तरह बोलते हैं तो उनको आप मेंटर मानती हैं, परमिशन मानती हैं, फ्रेंड मानती हैं, उनकी क्या एडवाइस मिली आपको, उनका क्या रिएक्शन था, क्या उनको मालूम है कि आप जा रही हैं कटरा गाड़ी? नहीं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ मैं चीज़ें डिस्कस करती हूँ सलमान सर के साथ, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो। हम प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर हम स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी ट्वीकिंग होती है या इम्प्रोवाइज करने का कोई स्कोप होता है, कोई चांस होता है, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो, इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द सिचुएशन दैट यू आर बीन थ्रोन इनटू। इसके अंदर मैं क्या ही डिस्कस कर लूँगी उनके साथ, कुछ है ही नहीं इसके अंदर डिस्कस करने के लिए। नहीं, मैंने एक्चुअली वैसे डिस्कस नहीं किया, उनको मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था, बिकॉज हर चीज़ क्या डिस्कस करे, राइट? नाउ द थिंग इज दैट अभी प्रॉब्लम ये है कि उनका नाम लो तो सबको प्रॉब्लम है, उनका नाम ना लो तो सबको प्रॉब्लम है, तो लाइक देयर इज नो वे आउट हियर, राइट? ये लोग चाहते कि आप उनका नाम लो और मजे आए। चोटें बहुत लगती है टास्क होने पर, फेस पे भी बहुत लोगों के चोट आई है, तो उसका कोई डर है आपको? तो बिग बॉस में भी आपको में टास्क के दौरान ही चोट आई जी। मुझे लगता है वो जो शोज में चोट आती है ना वो एक मेडल होते हैं, वो लगना चाहिए, जब तक वो लगेगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। तो जब भी कोई छोटी भी चोट आएगी वो शो का एक मेडल देगा। नहीं यार, इतनी चोट है तो मुझे नॉर्मल लाइफ में भी हमें सबको लग ही जाती है ना। मेरे तो फोरहेड पे ही बहुत बड़ा मार्क है, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा। आई हैव बीन इन अ कार एक्सीडेंट अभी साल पहले, तो अभी मार्क से, चोटों से इतना प्यार हो गया कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एंड आई थिंक आई एम समबडी हु स्टार्टेड accepting and loving the scars that I already have, and I think ye show ke andar agar koi maar lagi ya chot lagi, I think that is something that you have earned because it is a skill task, it is not something ke violence ka koi task hai iske andar. Shiv, aap se sawal hai, aap back to back reality shows kar rahe hain, roadies kiya, Big Boss Marathi aur Big Boss 16, to aisa nahi ho raha hai ki aap reality shows mein hi reh ja rahe ho, matlab iske अभी मैं अगर इंतजार करूं कि मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे ऑफर कब होगा फिल्म या फिर वो फिल्म शुरू कब होगी और मैं रुक जाऊं तो वो वक्त चला जाएगा, और कहते हैं कि जब भी वक्त हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। तो अभी मुझे जो जो ऑफर हो रहा है मैं कर लेता हूं, और ऐसे पहले हुआ था ना कि रियलिटी शो वाले रियलिटी शो तक ही रहते, शायद मैं वो खोड़ भी दूँ, मिटा भी दूँ कि ऐसा हो कि रियलिटी प्लस एक्टिंग बैलेंस कर रहा हूँ, बट अभी वो चांस है कि जो चीज़ें मुझे मिल रही ऑफर हो रही है उनको नहीं कैसे बोलूंगा ना, वो तो मैं इंतजार कर रहा था, बट ट्रस्ट मी कि ऐसी चीजें होगी, रियलिटी के बाद भी बड़ा पर्दा आएगा और शिव ठाकरे उधर भी देखेगा। गाइस, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। शिव, देयर वाज अ बज कि आपको ऑफर था रोडी से गैंग लीडर का, तो दैट वाजंट इंटरेस्टिंग फॉर यू उतना? यार, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, और मतलब मैं सुनी थी तो मैं अभी भी वो एक अलग इमोशनल जगह है मेरे लिए कि जहां से मैंने शुरू किया था, बट एक था कि पहले कमिटमेंट किया था मैंने इधर, होपफुली वो चीज आएगी, अगर आनी हो तो जरूर नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ये जानना चाहेंगे रोहित सर के लिए कितना तैयार हो, जब आपको अवार्ड दिया जाता है, जब